हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए मैंने पकोड़े बना के रख दिए हैं। ये प्याज और आलू के पकोड़े हैं और इसमें मैंने कुछ हरा धनिया भी ऐड किया था। और ये मैंने लस्सी और बेसन का घोल बना के रख दिया है और इसमें आप कुछ पानी भी ऐड कर दीजिए। ये कुछ स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे, ये धनिया पाउडर है और ये राई है जिसको सरसों भी बोलते हैं, ये जीरा है, ये मेथी दाना और ये कसूरी मेथी है। इसमें मैं ग्रीन चिली काट के रखी है और ये कड़ी पत्ता है और ये खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं साबुत धनिया, और इसमें ये जाएगी हींग। और ये कुछ मैंने लहसुन और अदरक को कूट के रख दिया है। और अब चलते हैं इसको बनाने की। और इस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी राई 1 स्पून, और ये 1 स्पून मैंने मेथी का डाल दिया और ये धनिया साबुत। और अब इसमें ये मैंने जो ग्रीन चिली काट के रखी थी वो डाल रही हूँ। इसमें आप रेड चिली भी डाल सकते हैं और ग्रीन दोनों डाल सकते हैं। ये हमारा कड़ी पत्ता, ये मैंने 1 स्पून जीरे का डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ब्राउन होने देंगे। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बना के रखा था, मतलब कूट के रखा था। और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ ये 1/2 स्पून मैंने हींग का डाल दिया है और ये 1 स्पून मैंने ये धनिया पाउडर था और ये हल्दी और रेड चिली पाउडर हम इसको ज़्यादा देर फ्लेम पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये जल भी सकता है। कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। अब हमने जो घोल बना के रखा है बेसन और लस्सी का, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें हमने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे। इसमें पानी जितनी आपको ज़रूरत लगती है उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, क्योंकि इसको 25 मिनट या आधे घंटे तक हमने इसको लो टू हाई फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से पकाना है। और इसमें सॉल्ट हम पहले इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि इससे हमारी कड़ी फट भी सकती है। तो अभी मेरे को 15 से 20 मिनट हुए हैं पर अभी भी हमारी कड़ी काफ़ी पतली है, तो इसको अभी और पकाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। अभी मुझे कम से कम आधा घंटा हो चुका है और हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और अब इसी स्टेज पे हमने यहाँ पे इसमें पकौड़े ऐड करने हैं क्योंकि अब हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। ये मैंने पकौड़े ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैंने अपनी गैस कर दी है बंद और ये मैंने कुछ हरा धनिया काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैं थोड़ी सी चीनी या फिर थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हो, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। हमारी कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।